इस बार बजट गोरखपुर के लिए खास रहा है। अगर हम बात करें बजट को तो 100 करोड़ का बजट मेट्रो के लिए मिला। इसके बारे में हमने जानकारी लोगों से ली। अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए पूरे पूर्वांचल में विकास हो रहा है और उस विकास की कड़ी में गोरखपुर का भी विकास हो रहा है और यहाँ पर मेट्रो मिलना यानी 100 करोड़ रुपया मेट्रो के लिए पास होना। इसके पहले DPR बन चुका था, इसके पहले DPR बन के तैयार था लेकिन बजट के लिए पैसा अभी तक नहीं सेंक्शन हुआ था, लेकिन आज जो है बजट में 100 करोड़ रुपया मिलने के बाद गोरखपुर में मेट्रो का रास्ता साफ हो गया है। हमने जनता से राय ली, जनता भी इस बजट को लेकर और यहाँ पे मेट्रो चलाने को लेकर बहुत ही प्रसन्न दिख रही है। आज बजट में गोरखपुर के लिए मेट्रो का वो यह 100 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे मेट्रो बनने की, इससे कितना लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात है कि गोरखपुर को मेट्रो मिल रहा है। अभी योगी वन सरकार में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थी। इस धूप में, तपती हुई धूप में, गर्मी में लोग इलेक्ट्रिक बस से सफ़र कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, भाड़ा भी सस्ता है। मेट्रो चलने से किराया भाड़ा सस्ता होगा और लोग अपने डिस्टिनेशन को आ जा सकेंगे आसानी से। इससे यहाँ के विकास को गति मिलेगी। गरीबों को इससे तो जैसे मान लीजिए टेम्पू चालक हैं या उनको उसका घाटा सहना पड़ेगा? नहीं, उसका घाटा नहीं सहना होगा। सबका अपना रोजगार चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे भी शहरों में बस एयर ट्रैफिक और मेट्रो ये सारी सुविधाएं हैं, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर टेम्पो, बैटरी रिक्शा ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। हाँ, थोड़ा असर पड़ सकता है, तो बड़ी संख्या में जो ऑटो चलते हैं तो उनको अपना रूट बदलना पड़ेगा। जहाँ पर मेट्रो और बस की सुविधा नहीं होगी वहाँ से वो संचालित होंगे। अरुण कुमार, बजट में 100 करोड़ रुपया पास हो गया है गोरखपुर में मेट्रो के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गोरखपुर में, गोरखपुर का विकास तो तेजी से हो रहा है। गोरखपुर का यानी पूरे पूर्वांचल का या पूरे प्रदेश का यूँ कह लीजिए, तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ 100 करोड़ रुपया जो मेट्रो के लिए मिला है वो बहुत खुशखबरी की बात है। इसके अलावा भी यहाँ चिड़ियाघर के लिए भी अच्छा खासा बजट मिला है, तो गोरखपुर पर्यटन के दृष्टि से भी अच्छा होगा और लोगों की यात्रा को सुलभ कराने के दृष्टि से भी अच्छा होगा। गोरखपुर में मेट्रो पहले से मिला हुआ था और DPR भी तैयार हो चुका था और आज उसमें जो 100 करोड़ का बजट का लेकर के मामला था वो भी बहुत अच्छा बजट योगी सरकार का इसके लिए है और इसके लिए योगी जी को धन्यवाद और समस्त गोरखपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक बजट मिला। और बस एक निवेदन है कि DPR को जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाए और सहजनवा और पिपराइज की तरफ थोड़ा मेट्रो को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट और मेरा नाम है सतीश शुक्ला।